Good morning, students. Today our topic is anti-Parkinsonian drugs. Anti-Parkinsonian drugs के बारे में अपन आज पढ़ेंगे. तो इससे पहले अपन anti-Parkinsonian drug के बारे में पढ़ें. तो थोड़ा सा अपन briefly देखते हैं कि what is Parkinsonism. Parkinsonism एक disorder है central nervous system का. Central nervous system के अंदर कोई deformity आ जाती है कई सारे causes के कारण. तो ब्रेन से अगर कुछ डैमेज हो जाती है या ऐसा कुछ न्यूरोट्रांसमीटर के अंदर ऑल्ट्रेशन हो जाता है तो पार्किंसोनिज्म की कंडीशन डेवलप हो सकता है, हो सकती है. तो बेसिकली पार्किंसोनिज्म के अंदर क्या होता है, ट्रेमर्स है, जो मस्कुलर ट्रेमर्स हैं काफ़ी ज़्यादा इंड्यूस होते हैं. और ये बेसिकली होता है जो न्यूरोट्रांसमीटर है डोपामिन, उसका लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हो जाता है. तो डोपामिन का लेवल का ड्रॉप हो जाना कॉज करता है पार्किंसोनिज्म. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एंटी पार्किंसोनियम ड्रग्स. एंटी मीन्स अगेंस्ट द पार्किंसोनिज्म डिजीज. पार्किंसोनिज्म डिजीज के जो अगेंस्ट जो ड्रग्स अपन काम लेते हैं, जिसको ट्रीट करने, पार्किंसोनिज्म को ट्रीट करने के लिए जो ड्रग्स काम में लेते हैं, दीज आर कॉल्ड एंटी पार्किंसोनियम ड्रग्स. एंड व्हाट इज पार्किंसोनिज्म? पार्किंसोनिज्म इज द डिसऑर्डर ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम. इन दिस डोपामिन लेवल, डोपामिन इट्स ए न्यूरोट्रांसमीटर, इसका लेवल काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है. सो दिस विल कॉज पार्किंसोनिज्म डिजीज. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द ड्रग्स एंटी पार्किंसोनियन एजेंट्स. तो सबसे पहले एंटी पार्किंसोनियन एजेंट्स के अंदर आता है एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स है जो काम में ली जाती है. एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स वो ड्रग्स होती है जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर है एसिटाइलकोलाइन. एसिटाइलकोलाइन जो एक न्यूरोट्रांसमीटर है उसको ब्लॉक करने के, उसको ब्लॉक करने का काम करती है एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स. और वो ड्रग्स हैं एमेंटालिन एंड एंटी हिस्टामिन. बोथ आर द एंटी कोलिनर्जिक, एंटी कोलिन, एंटीकोलिनर्जिक एजेंट्स. ये एक एंटीकोलिनर्जिक एजेंट्स हैं. ये जो एंटीकोलिनर्जिक एजेंट्स हैं किस काम में आते हैं? मेडिकेशन इंड्यूस्ड मूवमेंट डिसऑर्डर. जो मेडिकेशन जो लोग ले रहे हैं उसका साइड इफेक्ट या उसकी ओवरडोज के कारण जो मूवमेंट डिसऑर्डर हो रहा है उसके अंदर अपन ये जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स है एमेटाडीन एंड एंटीहिस्टामिन ड्रग है जो काम लेते हैं. नेक्स्ट अपन बात करते हैं जो न्यूरोलेप्टिक इंड्यूस्ड पार्किंसोनिज्म, न्यूरोलेप्टिक जो ड्रग्स है उनके कारण जो पार्किंसोनिज्म की कंडीशन डेवलप हो रही है. पार्किंसोनिज्म मींस ट्रेमर, रिजिडिटी, मस्कुलर स्टिफनेस, ये सारी चीजें पेशेंट के अंदर डेवलप हो रही है ड्यू टू द न्यूरोलेप्टिक एजेंट्स और न्यूरोलेप्टिक इंड्यूस्ड पार्किंसोनिज्म. इन सबको ट्रीट करने के लिए भी एंटी पार्किंसोनियन ड्रग, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स जो कि एसिटाइलकोलाइन को ब्लॉक करने का काम करती है. और बेसिकली एसिटाइलकोलाइन होता है ये एक मोटर न्यूरॉन के ऊपर काम करता है, एक न्यूरोट्रांसमीटर है और मसल्स के लिए, मसल्स मूवमेंट के लिए बेसिकली ये रिस्पॉन्सिबल होता है. और जो डोपामिन जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो अपनी जो प्लेजरेबल एक्टिविटीज है, प्लेजर फील अपन जो करते हैं वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है जो डोपामिन होता है. अगर इसका डोपामिन का लेवल अगर गिर जाता है तो ऐसी पार्किंसोनिज्म डिजीजेज और प्लेजर फील करना पेशेंट जो बंद कर देता है. सो दिस इज द एंटी पार्किंसोनियन एजेंट्स. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द ड्रग्स यूज इन द एंटी कोलिनर्जिक्स. फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राइहेक्सिन फेनिडाइल, ट्राइहेक्सिन फेनिडाइल देन पिप्राडिन. दीज टू मेडिकेशन आर यूज एज द एंटी कोलिनर्जिक्स इन द एंटी पार्किंसोनियन, एंटी पार्किंसोनियन एजेंट्स. देन डोपामिनर्जिक एजेंट्स, डोपामिनर्जिक एजेंट्स के अंदर आता है ब्रोमोट्रिप्टेन. ब्रोमोट्रिप्टेन काम में लिया जाता है डोपामिनर्जिक एजेंट्स के रूप में. देन नेक्स्ट अपन बात करते हैं मोनोएमीन ऑक्सीडेज टाइप बी इनहिबिटर. मोनो अमीन ऑक्सीडेज टाइप बी इनहिबिटर,
ये जो MOI B के अंदर टाइप B इनहिबिटर है, इसके अंदर सेलिग्लिन जो मेडिकेशन है जो काम में ली जाती है एज ए एंटी पार्किंसोनियन एजेंट्स। सो अपन ने देखा जो एंटी पार्किंसोनियन एजेंट्स हैं वो काम में आते हैं पार्किंसोनिज्म डिजीज, जो एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डिसऑर्डर है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर है जिसके अंदर डोपामिन का लेवल कम हो जाता है। उसके अंदर डोपामिन का लेवल किस तरह से इंक्रीज किया जाए तो उसके अंदर कौन कौन सी मेडिकेशन है जो काम में ली जाती है, तो फर्स्ट ये सारी मेडिकेशन एंटीकोलिनर्जिक्स एंड डोपामिनर्जिक एजेंट्स हैं, मोनोअमीन ऑक्सीडेज टाइप बी इनहिबिटर्स हैं। दीज मेडिकेशंस आर यूज्ड इन द एंटी पार्किंसोनियन एजेंट्स के रूप में काम में ली जाती है। देन वी आर गोइंग टू डिस्कस इंडिकेशन ऑफ दी एंटी पार्किंसोनियन ड्रग, क्या क्या इंडिकेशन है, किन किन जो डिजीज कंडीशन है, किन किन फीचर्स के अंदर सिम्टम्स के अंदर एंटी पार्किंसोनियन ड्रग्स है काम में ली जाती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसोनिज्म, जो ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसोनिज्म है किसी ड्रग का साइड इफेक्ट है ओवरडोज के कारण, और किसी ड्रग के कारण जो पार्किंसोनिज्म हो रहा है उसको ट्रीट करने के लिए एंटी पार्किंसोनियन ड्रग काम में ली जाती है। देन मैनेजमेंट ऑफ पार्किंसोनिज्म का मैनेजमेंट करने के अंदर जो एंटी पार्किंसोनियन ड्रग्स है वो काम में ली जाती है। सो दिस इज द इंडिकेशन ऑफ द एंटी पार्किंसोनियन ड्रग्स। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटी पार्किंसोनियन एजेंट, जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है जो एंटी पार्किंसोनियन ड्रग्स है किस तरह से अपना एक्शन शो करती है, किन किन रिसेप्टर के ऊपर बाइंड होती है, क्या वो रीअपटेक को ब्लॉक करती है, ये सारा का सारा अपन देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ दी एंटी पार्किंसोनियन एजेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल इंक्रीजिंग डोपामिन रिलीज, ये जो ड्रग्स है एंटी पार्किंसोनियन ड्रग इनका बेसिकली जो रोल है डोपामिन के लेवल को इंक्रीज करना। देन फ्रॉम प्री सिनेप्टिक वेसिकल्स, अपन ने प्रीवियस क्लासेस के अंदर देखा था कि जो एक प्री सिनेप्टिक होता है एक पोस्ट सिनेप्टिक होता है, बीच के अंदर उसके साइनेप्स होता है, ये जो बीच के अंदर साइनेप्स है इसके बीच में न्यूरो ट्रांसमीटर आता है और न्यूरो ट्रांसमीटर रिसेप्टर साइड पोस्ट सिनेप्टिक के रिसेप्टर साइड में बाइंड होता है और न्यूरो ट्रांसमिशन है वो अगर होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो अपन देख रहे हैं इंक्रीजिंग डोपामिन रिलीज फ्रॉम प्री सिनेप्टिक वेसिकल, ये जो इसको मान सकते हैं प्री सिनेप्टिक, इसके अंदर वेसिकल है, इसके वेसिकल के अंदर ये वेसिकल क्या करता है न्यूरो ट्रांसमीटर स्टोर करता है और यही क्या करता है न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज करता है। इसके वेसिकल के अंदर से जो न्यूरो ट्रांसमीटर है कौन सा न्यूरो ट्रांसमीटर डोपामिन, उसके रिलीज को बढ़ा देना। देन ब्लॉकिंग रीअपटेक, जैसे कि अपन ने देखा था कि जो भी न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं या तो वो मेटाबोलाइज हो जाते हैं या उनका रीअपटेक कर लिया जाता है बाय दी प्री सिनेप्टिक वेसिकल, वापस प्री सिनेप्टिक के अंदर जो न्यूरो ट्रांसमीटर होता है वो उसका रीअपटेक कर लिया जाता है। बट ये जो ड्रग्स है क्या कर देती है डोपामिन के रीअपटेक को ब्लॉक कर देती है, तो काफ़ी टाइम के लिए जो डोपामिन है वो पड़ा रहेगा कि साइनेप्स और पोस्ट साइनेप्टिक साइड के ऊपर पड़ा रहेगा। सो एक्शन उसका अपने आप ही क्या हो जाएगा प्रोलॉन्ग हो जाएगा ब्लॉकिंग रीअपटेक। देन एगोनिस्ट इफेक्ट ऑन दी डोपामिन रिसेप्टर, जो रिसेप्टर के जो डोपामिन रिसेप्टर होते हैं पोस्ट साइनेप्टिक के ऊपर उसके ऊपर एगोनिस्ट इफेक्ट डालती है ये ड्रग्स। देन ट्राई हेक्सीफेनिडाइल इनक्रीज पीक 2 to 3 hours, 2 to 3 घंटे के अंदर जो ट्राई हेक्सीफेनिडाइल जो ड्रग है कौन सी ड्रग है ये ट्राइहेक्सीफेनिडाइल, ये एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स है जो किसके अंदर आती है एंटी पार्किंसोनियन ड्रग्स के अंदर आती है। ये क्या करती है इनका जो लेवल है पीक हो जाता है 2 to 3 घंटे के अंदर और
और जब ये पोर्ट साइनेप्टिक के ऊपर रहती है तो इसका एक्शन है जो प्रोलॉन्ग टाइम के लिए रहता है, एक्चुअली 12 घंटे 12 आवर्स के लिए इसका एक्शन है, जो ड्यूरेशन है रह जाती है 12 आवर्स के लिए। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द एंटी पार्किंसोनियन ड्रग्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर क्या होता है, इंक्रीजिंग डोपामिन रिलीज, डोपामिन का रिलीज ज़्यादा होता है बाय द जो प्री साइनेप्टिक वेसिकल है उसके अंदर क्या कर देता है, रिलीज को ये ड्रग्स है डोपामिन के रिलीज को बढ़ा देती हैं, देन रीअपटेक को जो डोपामिन का रीअपटेक हो रहा है प्री साइनेप्टिक से उसको ब्लॉक कर देती हैं। तो उसको ब्लॉक करने से क्या होता है, जो डोपामिन का जो एक्शन है वो काफ़ी लंबे टाइम तक बना रहता है, ऑलमोस्ट 12 आवर्स तक इन ड्रग्स का जो इफेक्ट है वो बना रहता है 12 आवर्स तक, तो प्रोलॉन्ग एक्शन है जो शो करता है। और अगर डोपामिन का लेवल अगर डिक्रीज नहीं होता, जैसा कि अपन ने देखा था पार्किंसोनिज्म जो डिजीज होती है उसके अंदर डोपामिन का लेवल ड्रॉप कर जाता है, तो ये ड्रग्स क्या करती है, डोपामिन के लेवल को ड्रॉप होने नहीं देती है। तो अगर उसका लेवल ड्रॉप नहीं होगा तो ट्रेमर्स की कंडीशन है जो डेवलप नहीं होगी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस The doses of the anti-Parkinsonian drugs. First of all, initially, जब शुरुआत करते हैं anti-Parkinsonian agents की, 1 to 2 mg per day, 1 to 2 mg per day अपन रखते हैं, then इसकी जो maximum dose है अपन 15 mg per day, और ये जो 15 mg per day है वो divided dose के अंदर BD या TDS के अंदर अपन उसको patient को दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि 15 mg per day एक ही साथ अपन ने patient को देनी है, these dose divided in divided doses के अंदर अपने को ये 15 mg maximum अपन दे सकते हैं, और initial doses की 1 to 2 mg ही अपन रखेंगे। so this is the doses of the anti-Parkinsonian agents. now the side effects of the anti-Parkinsonian agents. side effects अपन क्यों देखते हैं किसी भी drugs का, इसीलिए देखते हैं कि अगर patient के अंदर जो side effects अगर show हो रहे हैं तो उसके बारे में ये अगर अपने को नॉलेज होगा साइड इफेक्ट्स के बारे में किसी भी ड्रग के, तो पेशेंट को पहले अपन एक्सप्लेन कर पाएंगे कि आप जब ये ड्रग लेंगे तो मे बी ये फीचर्स है, ये सिम्टम्स है आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये अगर जब आपको मिले तो आपको एंजाइटी डेवलप होने की जरूरत नहीं है, कॉमन सी चीजें हैं जो इन ड्रग से हो सकती है कई बार। तो फर्स्ट ऑफ ऑल साइड इफेक्ट्स ऑफ द एंटी पार्किंसोनियन ड्रग्स, फर्स्ट ऑफ ऑल डिजीनेस हो सकता है, देन nervousness, then drowsiness, then weakness, headache, confusion, blurred vision. So देखो first of all अपन देखते हैं ये जो drowsiness है और blurred of vision है ये anti-Parkinsonian जो drugs है वो cause करती है। So अगर किसी का bladder of blurred vision होगा और क्या होगा drowsiness होगी तो क्या होगा, या और उसको orthostatic hypotension भी होगी तो क्या हो सकता है, वो अगर कोई ड्राइविंग वगैरह या ऐसा कॉन्शियसली काम कर रहा है वहाँ पे ड्रॉपजीनेस होने के चांसेस रहेंगे, तो एक्सीडेंट के चांसेस भी बन सकते हैं। सो जो पेशेंट्स क्या ले रहे हैं, एंटी पार्किंसोनियन ड्रग्स ले रहे हैं, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स ले रहे हैं, उनका हैवी मशीनरी और ड्राइविंग से अपन दूर रखेंगे, ये अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आ जाता है। देन माइटियासिस, देन टैकिकार्डिया, देन ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन, देन ड्राई माउथ, देन nausea, constipation, then urinary retention, urine का retention हो जाएगा bladder के अंदर। so these are the common side effects of the anti-Parkinsonian drugs. again we repeat, first of all dizziness, nervousness, drowsiness, weakness, headache, confusion, blurred vision, mydriasis, tachycardia, orthostatic hypotension, dry mouth, nausea, constipation, urinary retention. These are the common side effects of the anti-Parkinsonian drugs. Now, last we are going to tell you the responsibility of the patient receiving anti-Parkinsonian agent. So, patient anti-Parkinsonian drugs जो ले रहा है, क्या-क्या role and responsibility अपनी रहेगी? कॉमन रेस्पॉन्सिबिलिटी तो यही होती है कि उसके वाइटल साइंस वगैरह है, जो पल्स रेट है, रेस्पिरेशन है, बीपी है, सब अपन क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, उसके मूवमेंट्स अपन क्लोजली मॉनिटर करते रहे हैं, उसके साइड इफेक्ट्स अपन क्लोजली मॉनिटर करते रहे हैं, देन
EPS एक्स्ट्रा पैरामीडल सिम्टम्स, एक्स्ट्रा पैरामीडल सिम्टम्स अगर पेशेंट शो कर रहा है तो वो भी अपन क्लोजली उसको ऑब्जर्व करेंगे, और अगर EPS शो होगा तो वहीं पे ड्रग को स्टॉप कर देंगे और कंसर्निंग जो साइकेट्रिस्ट है या तो फिजिशियन है उसके साथ कंसल्ट करेंगे। देन पोजिशन चेंज स्लोली, अगर किसी पेशेंट को ऑर्थोस्टेटिक हाइपरटेंशन होती है, ये साइड इफेक्ट है किसका, एंटी पार्किंसोनियन एजेंट्स का, अगर ऑर्थोस्टेटिक हाइपरटेंशन हो रही है और आप फास्टली उसको मूवमेंट करा रहे हो, सडन उसकी पोजीशन चेंज करा रहे हो, तो उसके अंदर हाइपोटेंशन होने के भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो जब भी आप उसकी पोजीशन चेंज करवा रहे हो तो काफ़ी स्लोली स्लोली आपको पोजीशन है उसकी क्वाइट एंड क्लामली और स्लो पोजीशन उसकी चेंज करवानी है। देन ओरल हाइजीन, ओरल हाइजीन का उसके काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है, उसका माउथ वॉश करते रहना है, ओरल हाइजीन मेंटेन रखनी है। देन डिक्रीज परस्पिरेशन, जो पेशेंट एंटी पार्किंसोनियन ड्रग्स लेता है इन ये जो समर सीजन के अंदर पेशेंट्स हैं जो एंटी पार्किंसोनियन ड्रग ले रहा है उसके अंदर जो परस्पिरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है, तो इसके बारे में अपन पेशेंट्स को एक्सप्लेन कर देंगे, बता देंगे कि ये आपको फीचर्स हैं जो देखने को मिलेंगे, तो आप थोड़ा इसके लिए अवेयर रहें। अगेन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो कंप्लीट होती है। अगेन वी समराइज द होल टॉपिक एंटी पार्किंसोनियन ड्रग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ने देखा एंटी पार्किंसोनियन ड्रग्स है तो किसके लिए काम में ली जाती है, पार्किंसोनिज्म को ट्रीट करने के लिए। अब पार्किंसोनिज्म क्या है, एक सीन है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर है जिसके अंदर क्या होता है, डोपामिन का लेवल है ब्रेन के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है। डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि प्लेजर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब जब इसका लेवल ड्रॉप हो जाता है तो उसके लेवल को बढ़ाने के लिए अपन एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स है जो काम में लेते हैं, इन्हीं को अपन बोलते हैं एंटी पार्किंसोनियन ड्रग्स। और एंटी कोलिनर्जिक्स के अंदर एमिटामिन एंड एंटी हिस्टामिन्स है जो ड्रग्स कॉमनली यूज होती है इन द मेडिकेशन इंड्यूस्ड मूवमेंट डिसऑर्डर और न्यूरोलेप्टिक इंड्यूस्ड पार्किंसोनिज्म के अंदर। देन अपन एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स है कुछ काम लेते हैं, देन डोपामिनर्जिक एजेंट्स है वो काम लेते हैं, देन मोनोअमीनो ऑक्सीडेज टाइप बी इनहिबिटर्स काम लेते हैं। देन अपन ने देखा कि कुछ इसके इंडिकेशन है, कौन कौन से इंडिकेशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसोनिज्म, मैनेजमेंट ऑफ पार्किंसोनिज्म, देन मैनेजमेंट सॉरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ दी एंटी पार्किंसोनियन ड्रग्स या एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स का मैकेनिज्म एक्शन किस तरह से होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करती है, डोपामिन के रिलीज को इंक्रीज कर देती है, देन प्री साइनेप्टिक पे जो रीअपटेक होता है उसको भी क्या कर देती है, ये ब्लॉक कर देती है। सो डोपामिन का लेवल इंक्रीज रहता है, बना हुआ रहता है, तो जो डोपामिन का एक्शन प्रो लॉन्ग टाइम के लिए 12 आवर्स के लिए मिनिमम बना रहेगा, और डोपामिन का लेवल जब ड्रॉप नहीं होगा तो जो ट्रेमर्स होते हैं और रेसिडिटी स्टिफनेस जो होती है पार्किंसोनिज्म के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा रिलीव हो जाएगी। नाउ वी आर टेकिंग नेक्स्ट पार्ट, डोजेज अपन ने देखी 1 to 2 mg इनिशियली देते हैं, देन 15 mg पर डे डिवाइडेड डोजेज के अंदर देते हैं। साइड इफेक्ट्स देखे अपन ने, ड्रॉपिनेस, नर्वसनेस, वीकनेस, हेडेक, कन्फ्यूजन, टैकीकार्डिया, ऑर्थोस्टेटिक हाइपरटेंशन, माइग्रेसिस, ड्राई माउथ, नोजिया, कॉन्स्टिपेशन, यूरिनरी रिटेंशन। सो दीज आर द कॉमन साइड इफेक्ट्स ऑफ द एंटी पार्किंसोनियन और एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स। रेस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर देखा, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है EPS का, एक्स्ट्रा पैरामीडल सिम्टम्स का ध्यान रखना है, अगर शो हो रहे हैं तो वहीं पे ड्रग को बंद कर देना है। देन पोजिशन उसकी स्लोली चेंज करनी है बिकॉज उसको ऑर्थोस्टेटिक हाइपरटेंशन हो सकती है। देन ओरल हाइजीन मेंटेन करनी है और उसका परस्पिरेशन है वो डिक्रीज हो जाएगा, तो ये उसको एक्सप्लेन करना है। सो अपना टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है, नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट टॉपिक अपन लेंगे। थैंक यू वेरी मच।